माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और जिम्मेदार बनिए और जिम्मेदार बनाइए से शुरू कर रहा हूँ। राज्य के 3 शहरों में कुछ विस्तारों में कर्फ्यू जाहिर किया गया है। इन इलाकों में कर्फ्यू की कड़क अमल करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स भी दी गई है और राज्य के आईबी द्वारा भी नज़र रखी जा रही है। जिन विस्तारों में कर्फ्यू या लॉकडाउन का अमल ठीक से नहीं हो रहा है वहाँ ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो लोगों कर्फ्यू भंग करते हुए पाए जाते हैं उन पे गुनाह दाखिल किया जा रहा है। अहमदाबाद शहर में आज तक कर्फ्यू भंग के 103 गुनाह दाखिल हुए हैं और 118 लोगों की अटकायत की गई है। ऐसे ही सूरत शहर में आज तक कर्फ्यू भंग के 64 गुनाह दाखिल किए गए हैं और 68 लोगों की अटकायत की गई है। राजकोट शहर में अभी तक कर्फ्यू भंग के 15 गुनाह दाखिल किए गए हैं और 15 लोगों की अटकायत की गई है। कर्फ्यू वाले विस्तारों में ड्रोन की मदद से भी नज़र रखी जा रही है। सूरत शहर में कर्फ्यू भंग के जो गुना दर्ज हुए उसमें से 3 गुना ड्रोन की मदद से ढूंढे गए हैं। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए और लॉकडाउन को अमल करवाने के लिए पुलिस और आरोग्य जैसे सरकारी विभागों के जो अधिकारी और कर्मचारियों दिन रात काम कर रहे हैं उन पर होने वाले हमलों की सभी वारदात को बड़ी गंभीरता से ली जा रही है। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी घटनाओं में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेहसाना जिले में 2 दिन पहले विजापुर मामलतदार कचहरी में सरकारी अफसर पे हमला होने की एक घटना बनी थी। मेहसाना पुलिस द्वारा इस मामले में गुना दाखिल करके 2 आरोपियों को अटक किया गया है। कल इन 2 आरोपियों के ऊपर पासा के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ के जेल भी भेजा गया है। जो पुलिस कर्मचारी लॉकडाउन संबंधी ड्यूटी पर है उन सभी को मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजें पहले से दी गई हैं, लेकिन जो रेड जोन या कर्फ्यू वाले विस्तार में ड्यूटी पे है उनकी सीधा संपर्क कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से जहां होने की संभावना है वैसे कर्मचारियों को भी पीपीई सूट दिया जा रहा है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री श्री ने आदेश दिया है कि कोरोना से संक्रमित हुए सभी पुलिस कर्मचारियों को उत्तम मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए और ऐसे जवान और उनके परिवार को ठीक से ध्यान रखने के लिए सभी यूनिट के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदारी दी गई है। अभी भी वाहनों में लोगों की हेराफेरी की घटनाएं ध्यान के ऊपर आ रही हैं। बनासकांठा जिले में अमीरगढ़ चेकपोस्ट के ऊपर एक कंटेनर पकड़ा गया जिसमें मोरबी जिले के 81 लोग बैठकर राजस्थान जाने की प्रयास कर रहे थे। सभी लोगों और वाहन के मालिक और ड्राइवर पे गुना दाखिल किया गया है और वाहन भी जब्त किया गया है। डिटेन किए गए वाहनों को मुक्त करने की कार्रवाई चालू है। अभी तक राज्य में कुल 50,307 वाहन मुक्त किए जा गए हैं। कल ऐसे 9,068 वाहन छोड़े गए थे। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। लोगों से अपील है कि सोसाइटी के अंदर इकट्ठा ना हो। राज्य में ऐसे 15 गुना दाखिल हुए हैं और 28 लोगों की धरपकड़ हुई है। ड्रोन के फुटेज की मदद से कल 2,098 गुना और सीसीटीवी की मदद से कुल 87 गुना दाखिल किए गए हैं। आज तक ड्रोन की मदद से कुल 6,475 गुना और सीसीटीवी की मदद से कुल 1,112 गुना दाखिल किए गए हैं। अफवाहें और गलत मैसेज के प्रसार के मामले में आज तक 340 गुना दाखिल किए गए हैं और 668 लोगों की
अटकायत भी हुई है। अफवाह या गलत बात फैला रहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया के कुल 268 अकाउंट आज तक पुलिस ने ब्लॉक करवाए हैं। एएनपीआर की एनालिसिस से आज तक 151 गुना और वीडियोग्राफर द्वारा किए गए शूटिंग के आधार पर आज तक 177 गुना दाखिल किए गए हैं। थैंक यू।